नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूं, तंत्र का एक ऐसा ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूं, जिससे क्या होता है कि देखिए, संसार में जीने के लिए अपने को बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उस ख्याल में एक ख्याल है अपना सेक्स। उसके बिना पूरी धरती शून्य है, उसके बिना पूरा और पूरी जिंदगी शून्य है। पशु पक्षियों से लेकर के इंसानों तक सब में इस चीज़ की प्रधानता मानी गई है, और चार पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ भी इसको माना गया है। अगर उसमें आदमी पूरा नहीं पड़ता है तो आदमी का जो जीवन है वो बिल्कुल अधूरा अधूरा और ऐसा सूना सूना सा महसूस होने लगता है। उसके जीवन में चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा, ऐसी चीज़ें बनती चली जाती है। देखिए, जिस पुरुष का लिंग जो है वो यदि ढीला हो गया हो, टेढ़ा हो गया हो, नसों में किसी प्रकार का विकार पैदा हो गया हो, शीघ्र पतन का शिकार हो गया हो, ऐसी कोई भी प्रकार की उसको परेशानी हो, तो आज मैं शक्ति का एक ऐसा तंत्र लेकर के आया हूं जिससे उसका पुरुषार्थ लौट आएगा, जिससे उसके लिंग संबंधी जो कोई भी परेशानी होगी, जो कोई भी दोष होगा, वो सारे दोषों का निवारण हो जाएगा। ऐसी शानदार चीज है दोस्तों, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है कि आपके नहीं तो क्या हुआ, किसी अन्य भाई के कोई काम की चीज हो, किसी के जीवन को आप बचा सकते हैं, किसी के जीवन की आपको दुआ लग सकती है, आशीर्वाद लग सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होने से उसका पूरा जीवन नरक जैसा बन जाता है और घर में बहुत कलह होना शुरू हो जाती है। ऐसा जो आदमी है ना, जब उसकी काम वासना संपूर्ण रूप से तृप्त नहीं होती तो वो क्रोध बन जाती है, और क्रोध बन जाती है तो क्रोध में फिर चिड़चिड़ापन, घर में लड़ाई झगड़ा, स्त्री को मारना पीटना, अपूर्ण सेक्स, इस प्रकार की हिंसा पैदा करता है। तो आप यदि इस वीडियो को शेयर करते हैं तो किसी की जिंदगी अगर संवर जाती है तो आपको भी दुआ मिलती है। दोस्तों, इसमें करना क्या होता है, एक बहुत ज़बरदस्त मंत्र है, उस मंत्र का आपको प्रयोग करना है सिर्फ 21 बार। उसका प्रयोग कर लिया तो आपको वो चीज़ प्राप्त होगी जिस चीज़ के लिए आप परेशान हैं, या जो लोग परेशान हैं उनको वो चीज़ प्राप्त होगी। लिंग संबंधी कोई भी प्रकार का दोष होगा, वो दोष तुरंत नष्ट होगा। दोस्तों, करना क्या है, करना यह है कि आपको कोई भी दिन हो, संडे का दिन सबसे बढ़िया रहता है वैसे, कोई भी दिन हो, उस दिन लाल कलर की कांच की एक बोतल लेके आनी है, एक लीटर की बोतल लेके आनी है। उस बोतल में क्या करना, एकदम असली जो सरसों का तेल होता है ना, कई जो प्रोडक्ट होते हैं ऐसे नामचीन प्रोडक्टों के चक्कर में मत पड़ना आप, ये बाबा जी के वो फलाने उनके उनका तो कच्ची घानी सरसों तेल के चक्कर में तो सरसों तेल नकली आ जाता है। असली सरसों का तेल आपको लेके आना, वो असली सरसों का तेल आपको बोतल का जो गला होता है ना, गला, बोतल का गला, यहाँ से पकड़ते हैं, जहाँ से पकड़ते हैं वहाँ तक नीचे तक आप बोतल भर लीजिए सरसों के तेल से बोतल भर लिए। देखिए, कांच की जो बोतल है ना, देखिए, जो समझदार है जानते हैं उनके लिए, जो नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ, कांच की बोतल पर कभी कभी लेबल जो लगे होते हैं ना, उन लेबल को अच्छी तरह से धोके साफ करके उतार लीजिएगा, वो लेबल नहीं होने चाहिए। अब उस बोतल में क्या करना, आपको कुछ चीज़ें हैं वो मिक्स करनी है, कूट पीस करके अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर देना। मिक्स क्या करेंगे, एक तो सरसों का तेल कांच की बोतल में आपने डाल लिया गले तक, हैंडल के नीचे तक। अब उसमें आपको भरना भांग के बीज, भांग जो होते हैं ना, भांग जो पीते हैं शंकर भगवान के, जो मंदिर में चढ़ा चढ़ा करके उनके नाम से चेपते हैं, वो भांग, उस भांग के बीज आपको लेने हैं। भांग के बीज थोड़े से लेने हैं, वो कूट पीस करके उसमें मिला करके रख देने हैं। पीपर आती है, ब्लैक पीपर आपको लेने, ब्लैक पीपर के आप 8-10 दाने लीजिए, वो भी उसमें डाल दीजिए। थोड़ी सी सौंठ हो, सौंठ को भी कूट काट के उसको, या सीधा साबुत डलियाँ हो उसकी, छोटी छोटी डलियाँ काट करके वो सौंठ भी आप उसमें डाल दीजिए। बैंगन के बीज आते हैं, बैंगन के बीज भी आप उसमें थोड़ा सा 15-20-50 बीज उसमें डाल दीजिए। और बबूल की असली गोंद लाइए, बबूल की असली गोंद को पीस करके एकदम पाउडर बना करके वो पाउडर उसमें मिला दीजिए। ये इतनी चीज़ें आपको मिलानी है, मिला करके कॉक का, लकड़ी का ऊपर अच्छी तरह से पैक हो जाए ऐसा ढक्कन देना, ढक्कन दे करके उस बोतल को आपको धूप में रख देना है, और ये धूप में 21 दिन तक रहेगी, 21 डेज तक ये धूप में रहेगी। 21 दिन तक धूप में इसको रखिएगा। 21 दिन के बाद में आपको इसको लाना है वापस, ला करके क्या करना है, एक दिन फिर एक क्रिया करनी है। केंचुए आते हैं, केंचुए आजकल ऑनलाइन भी मिलते हैं, आप चाहो तो मंगवा सकते हो। केंचुए, 21 केंचुए किसी बर्तन में डाल करके उसमें आधा लीटर पानी डाल दीजिए,
आधा लीटर पानी डाल करके, और ये जो मटेरियल आपके पास है ना बोतल में, ये सारा मटेरियल उसमें खाली कर दीजिए आधा लीटर पानी में। अब उसको धीमी आंच पर आप चढ़ा दीजिए। अब वो धीमी आंच पर उबलना शुरू होगा धीरे 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 धीरे, चढ़ 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 की आवाज़ आएगी। वो सारी आवाज़ जब मिट जाए एकदम, वही तेल वापस जो आपने तेल डाला है वही तेल रहे, आपका आधा लीटर पानी जो है वो पूरा का पूरा पानी उड़ जाए और तेल एकदम साफ वही तेल रहे। अब उस तेल को उतारिए, ठंडा कीजिए, ठंडा करके छान करके फिर उस बोतल में भर लीजिए, फिर उस बोतल में भर करके फिर आपको 21 दिन तक रखना है। अब जो 21 दिन तक रखो तो हर बार उस बोतल के पास जाकर के आपको 21 मंत्रों का जाप करना है, और मंत्रों का जाप करके उस पर फूंक मार देनी है। 21 मंत्रों का जाप करो, उस पर फूंक मार दो 21 दिन, 21 प्लस 21 42 दिन हो गए, और एक दिन बीच में आप जो क्रिया करोगे उसको मान लेते हैं तो 43 दिन, 43 डेज हो गए। 43 डेज में आपका यह तेल तांत्रिक विधि से एक सक्रिय तेल हो जाएगा, एक जबरदस्त तेल हो जाएगा जो लिंग की किसी भी प्रकार की भयंकर से भयंकर बड़ी से बड़ी तकलीफें उसको दूर कर देगा। अब क्या करना है, अब आपको रात सोते समय चौथाई चम्मच, 1/4 चम्मच स्पून होता है, छोटा सा स्पून होता है चाय वाला, वो चाय वाला छोटा सा स्पून होता है जिससे बच्चे खाते हैं, वो अपन भी खाते हैं स्पून का यूज़ करते हैं चम्मच का, उसमें 1/4 चम्मच थोड़ा सा उसमें तेल लीजिए। थोड़ा सा तेल लेकर के पूरे लिंग पर मालिश कीजिए रात को, रात को मालिश कीजिए। फिर आप 10-15 दिन तक संभोग मत कीजिए, बस रात को मालिश कीजिए। कुछ दिनों में आपको पता चलने लगेगा कि लिंग में जो अकड़न है वो वापस आ गई है, सीधापन आ गया है, सब काम बढ़िया होने लग गया है, उसकी वेव जो तरंग उसकी जो नसें हैं वो अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। आपकी हर प्रकार की लिंग से संबंधित बीमारी होगी वो तत्काल दूर हो जाएगी, और आपको एक सुंदर जीवन की, सुंदर जीवन साथी के साथ आनंदपूर्वक जीवन जीने की आपको वो भगवान की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों इसमें जो मंत्र आप काम में लेते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, प्यार से लिखिएगा। मंत्र ओम नमः सूर्य देवा, नमः इंद्र देवा, नमः नमः हे महादेवा, काली के जनक दूर करो व्याधि मोरी, हे मोरे विश्व देवा, ओम नमः क्रिम 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 फट स्वाह। ये मंत्र है, इस मंत्र का प्रयोग करके आप अपनी जो लिंग संबंधी परेशानियां उन सारी परेशानियों को मिटा सकते हो। भगवान से प्रार्थना भी साथ साथ में करते रहना, भगवान से प्रार्थना करके जब कोई काम करते हो तो उस काम में आपकी एक अलौकिक शक्ति है वो अपने आप मदद करती है, और उससे आपके काम में गजब की पूर्णता प्राप्त होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।